डेविड मिलर की शतकीय पारी हुई बेकार, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज पर किया कब्जा। भैया क्या बात है, शानदार है। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती, बात तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने ऐसे कारनामा कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता भैया। क्योंकि कल के मुकाबले में सूर्य कुमार ने ऐसे शॉट मारे भैया की बता ही नहीं सकते। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 16 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर लिया भैया। भारत ने 3 विकेट पर 337 रन बनाए, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट पर 221 रन ही बना सकी भैया। बात तो सही है। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी कमजोर नहीं थी। उन्होंने इतना माड़ा बता ही नहीं सकते, कितना माड़ा बॉलर इतना पिटे इंडियन टीम के कि बता ही नहीं सकते। अगर और बॉल बची होती तो इंडिया हार जाती भैया। लेकिन इसके बाद डीकॉक ने डेविड मिलर के साथ मिलकर पारी को संभाला। इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी हुई। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, ये लोग हारे लेकिन इज्जतदार हारे? लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अगर और बॉल बची होती ना तो क्या दक्षिण अफ्रीका जीत सकती थी इस मैच को या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा। और क्या आपको पता है, कल के मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने इतना जलवा बिखेरा कि बता ही नहीं सकते कितना बिखेरा, और 22 गेंदों में 61 रन बना के चले गए भैया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए KL राहुल 57 तो वहीं सूर्य कुमार यादव 61 और कोहली के 49 रनों की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट पर 237 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 221 रन ही बना सकी भैया। हालांकि इस समय ऐसा लगा कि डेविड मिलर डीकॉक भारत से ये मैच छीन लेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक डेविड मिलर के 106 ही रन थे भैया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में उस वक्त बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब बीच मैदान में सांप घुस गया भैया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रहे भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन 7 ओवर के पूरे हो जाने के बाद अचानक एक सांप मैदान में घुस गया। वह तो शुक्र है कि दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ियों की नजर उस पर पड़ गई, नहीं तो हादसा बहुत बुरा हो जाता, कोई तो खप जाता कोई तो मर जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ियों की नजर उस पर पड़ चुकी थी पहले से ही भैया, इसीलिए मैच को कुछ देर तक रोका गया। चलिए वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भैया, क्योंकि रोजाना मजेदार शानदार वीडियो आपको यही मिलने वाली है भैया।